हेलो गाइस, शुरू कीजिए ट्रेडिंग जर्नी हमारे साथ। हमारे अंडर ओपन करें डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट और आपको मिलेगी हमारे इंट्राडे प्रीमियम चैनल्स की फ्री मेंबरशिप और हमारे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी। उसके लिए आपको करना क्या है, इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन करना है तो आपको जस्ट यहाँ से क्लिक करना है। तो एक वेब पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है, कंटिन्यू करना है तो आगे की ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सब कुछ क्लियर है। तो अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर के ऊपर कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके। तो ट्रायल्स के लिए आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के ऊपर क्लिक करें। हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। कल यानी 10th मई को क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स कहाँ पर आ सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ये आइडेंटिफाई करेंगे। तो वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। वीकली चार्ट यानी लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट में ट्रेंड का क्या वे है, कहाँ डायरेक्शन है, ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो वीक नया शुरू हो रहा है तो वीकली चार्ट को सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे। और 4-5 दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर एक बात चल रही है कि इंट्राडे मार्जिन को लेके, एक्सपोजर को लेके, कि अभी रिटेल ट्रेडर्स को काफ़ी नुकसान होगा, ख़त्म ही हो जाएंगे रिटेल ट्रेडर्स, सेबी सिर्फ नए बड़े लोगों के बारे में ही सोचती है। तो ऐसा नहीं है, सेबी काफ़ी रिटेल ट्रेडर्स को ज़्यादा नुकसान ना हो, रिटेल ट्रेडर्स का ख्याल ध्यान में रखकर ही कुछ स्टेप्स लेती है। तो पूरी तरह से ज़ीरो नहीं हो जाएगा मेरे हिसाब से तो, क्योंकि दुनिया भर के अगर मार्केट को देखें तो वहाँ पर एक्सपोजर कहीं पर भी ज़ीरो नहीं हुआ है। तो एक स्टैंडर्ड एक्सपोजर इंट्राडे मार्जिन रूल आ सकता है कि 5x या फिर 7x, 8x जो भी हो, तो पूरी तरह से ज़ीरो तो नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में पता चलेगा। वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। वीकली चार्ट में अगर आप देखें तो लास्ट अगर दो फ्राइडेज का आपने वीडियो देखा होगा तो हमने यहाँ पर ये 20 EMA का ये जो पिंक लाइन है ये एज अ मेजर सपोर्ट का काम कर सकता है, ऐसा हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया था, आइडेंटिफाई किया था। तो लास्ट 2 वीक्स यहाँ पर सपोर्ट लेके हमें एक छोटा सा बाउंस बैक देखने को मिला। लेकिन अगर हम मंथली चार्ट को देखें, निफ्टी के मंथली चार्ट को, ये निफ्टी का मंथली चार्ट है, तो ये जो कैंडल है फेब्रुवरी का, इसका हाई और लो अभी तक 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, इसके इस रेंज के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। यानी पूरी तरह से जब से ये सेकेंड वेव, कोरोना का सेकेंड वेव इंडिया में आ गया है, इसकी बातें, इसकी न्यूज़ जब से आने लगी है, तब से एक साइडवेज मोमेंटम हमें निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। तो जब तक वीकली चार्ट में ये 20 EMA के ऊपर है निफ्टी इंडेक्स, तब तक हम इसे बुलिश ट्रेंड ही मान के चले तो ही फायदेमंद साबित हो सकता है। तो अभी चलते डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर अगर हमने आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा तो यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को हमने ड्रॉ किया था, ये स्विंग हाई लो को पकड़ के। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्ट इसने 50% का ये जो लेवल है 14,863 और फ्राइडे का हाई था 14,863, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट उसी लेवल पे हाई बना है। तो ये टारगेट्स अभी अचीव हो चुका है। अभी इसके ऊपर ये हाई को ब्रेक करके आर्ली चार्ट में सस्टेन करता है तो नेक्स्ट लेवल हमें 61.8% का यहाँ पर आते हुए दिखाई दे सकता है, जो कि 14,968 के पास है। तो 15,000 के पास फिर से एक बार साइकोलॉजिकल बैरियर हर्डल हो सकता है वहाँ पर। ये फर्स्ट टाइम, ये सेकेंड टाइम, अभी थर्ड टाइम हो सकता है 15,000 को ये फिर से एक रेजिस्टेंस फेस करे। तो अगर ये आर्ली चार्ट में इस हाई के ऊपर निफ्टी इंडेक्स अगर सस्टेन नहीं कर सकता है तो हो सकता है ये फिर से एक बार 20 EMA को एज अ सपोर्ट टेस्ट करे, फिर बाउंस बैक करे। तो इन लेवल्स के अकॉर्डिंग आपकी ओवरनाइट पोजीशन आप यहाँ पर कैरी कर सकते हैं, इन लेवल्स को एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप मान के चल सकते हैं। तो ये डेली चार्ट का सीनारियो है। चलते हैं अभी 60 मिनट के चार्ट में। इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, मंडे के लिए क्या हो सकती है। जैसे कि हमने यहाँ पर ये डबल बॉटम फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई किया था, उसके बाद नेक लाइन ब्रेक होने के बाद ये फ्राइडे को भी हमने तेज़ी देखी, लेकिन ये तेज़ी वन वे मोमेंटम में कन्वर्ट नहीं हुई, पूरा दिन साइडवेज मोमेंटम यहाँ पर हमें देखने को मिला। तो अभी मंडे के लिए यानी कल के लिए ये जो रेंज बना है फ्राइडे का, उसका हाई अगर ब्रेक करता है, ये देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया था कुछ दिनों पहले, तो 14,861 हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। इसके ऊपर अगर सस्टेन करे तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 14,877, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड
14,894, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और ब्रेकडाउन लेवल होगा हमारा लोएस्ट क्लोजिंग लेवल फ्राइडे का, जो कि 14,795 के पास है, ये हमारा होगा ब्रेकडाउन लेवल। और इसके नीचे अगर सस्टेन करे तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 14,779, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 14,761, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के लेवल्स है। अभी ये बैंक निफ्टी में चलते हैं। ये बैंक निफ्टी का आर्ली चार्ट है, यानी 60 मिनट का चार्ट। यहाँ पर भी अगर 60 मिनट के चार्ट में अगर हम देखें शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों मूविंग एवरेजेस असेंडिंग ऑर्डर्स में, और इसके ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेंड कर रहा है। तो यहाँ पर हमें अप ट्रेंड के सिग्नल्स मिल रहे हैं, लेकिन जब तक ये इस लेवल को, यानी हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल फ्राइडे का 33,094, इसके ऊपर सस्टेन करे तो ही इंट्राडे के लिए बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 33,157, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 33,225, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो काफ़ी सारे सपोर्ट लेवल्स हैं यहाँ पर, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों मूविंग एवरेजेस को ब्रेक होने दीजिए तो ही इंट्राडे के लिए यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। तो यानी अराउंड हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा 32,631, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। इसके नीचे अगर सस्टेन करे तो ही इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बनाए, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 32,563, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 32,489, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।